हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है और एक न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं स्टोरी पे मैंने कितने लगातार बुइया किया हुआ है। एंड गाइस, मैंने 10 गेम खेला था, उसमें से 8 गेम मैंने बुइया किया है और बीच में थोड़ा नेट का इशू चला तो यार इस वजह से मैं हार गया था। आप लोग इस मैच पे ही देख सकते हैं मेरा नेट इशू कैसे करेगा। एंड गाइस, चलो कोई ना यार, और आज का वीडियो मतलब इसलिए लाया हूँ कि यार आप लोग जब मतलब दिन का पहला गेम खेलते हो जितना हो सके यार आप लोग प्लास करने का कोशिश करना है, क्योंकि मतलब पहले जो प्लास देता है ना 2 गेम के दे देता है। आप लोग अच्छी खासी किल करोगे, 9-10 किल करोगे पहला गेम पे ही और बुइया करोगे तो यार 41 का प्लस मिल जाती है जो कि मतलब 2 गेम का है। तो जितना हो सके साइट में उतरने का कोशिश करना। मैं फिलहाल तो मैं भी साइट पे उतरने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार आप लोग जानते हैं मैं कभी कभी ब्लू जून पे भी उतरता हूँ। अगर गाइस पहला गेम पे आप ब्लू जून पे उतर के 1-2 किल करोगे और आप मर जाओगे तो फालतू में एक्स्ट्रा प्लस खो दोगे, क्योंकि यार 1-2 किल करने के बाद एक्स्ट्रा प्लस जो है वो दे देता है। तो यार फालतू में आप लोग माइनस खा जाओगे और एक्स्ट्रा प्लस भी मतलब लॉस हो जाएगा। तो बेहतर है कि यार जितना हो सके साइड पे उतरो और जहाँ पे बंदा जाता ही नहीं है उस जगह पे उतरो। फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथ कोई बंदा नहीं आ रहा है। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा स्टोरी पे जो लगातार बुइया किया हुआ था, मैं इसको भी क्लिप बना बना के दिखा सकता था, लेकिन यार क्या फ़ायदा, लास्ट में जाके वही मतलब बुइया करने वाला सीन दिखाएगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा कहाँ पे उतरना है, मतलब कैसे सर्वाइव करना है। फिलहाल तो मैं यार फुल गेम प्ले लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि यार मैं पहला मतलब गेम को कैसे सर्वाइव करता हूँ, कहाँ पर जाता हूँ। आप लोग फिलहाल देख सकते हैं मैं मतलब यहाँ पे पूरी तरह से सर्वाइव करके आया हूँ। जितना हो सके मेरे को फिलहाल तो सर्वाइव करना है, क्योंकि यार पहला गेम का जो एक्स्ट्रा प्लस मिलता है उसको मैं खोना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल तो मैं 33 पे आ गया हूँ, मतलब 33 बंदा अलाइव है और मेरे को अच्छी खासी लूट भी मिल चुका है। देख सकते हैं साइलेंसर वगैरह और टोकन भी मिल चुका है और एक बंदा यहाँ पे लूट मतलब वेंडिंग मशीन पे कुछ खरीद रहा था, मैं पहले ही स्पॉट कर लिया था, उसका फूड स्टेप आ रहा था तो उसको जाके मैंने आराम से मार दिया यहाँ पे देख सकते, और उसके पास भी काफ़ी ढेर सारा लूट था तो यहाँ पे लूट लेता हूँ ग्लू वगैरह। और यहाँ पे वेंडिंग मशीन पे जो चीज़ सही है मैं खरीद लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को M10 भी मिल चुका है, क्योंकि यार सीप वगैरह भी था मेरे पास तो उसको लेवल 3 बना दिया है। और यहाँ पे सुपर मेडी तो यार बहुत ज़रूरी होता है, एंड गाइस सुपर मेडी वगैरह खरीद के मैं जोन पर फिलहाल तो आ गया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो वेंडिंग मशीन पे मैं यार और फ्री ग्लू वॉल मिल जाए तो उसको भी लेना ही पड़ेगा, और यहाँ पे M2 भी तो जरूर लूँगा। एंड गाइस, एक चीज़ मैं बताऊँ मतलब बताना चाहता हूँ कि यार जो मेरा M2 भी लेने का आदत है उसको मैं छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पास एक भी एमओ नहीं है यार, जो मतलब गन में लगा हुआ है 8 MO वही है, फिर भी यार मैं M2 भी लेके जा रहा हूँ। अगर मेरे को 2-3-4 बंदे मिलेगा तो M1 ख़त्म हो जाएगा, मैं लॉन्ग रश में बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता यार। और इस वजह से मतलब भला ही मेरे पास M1 नहीं है लेकिन मैं फिर भी M2 भी लेके जाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो एक बंदे को हेडशॉट दे दिया और नेट भी मेरे को थोड़ा बहुत इशू कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं थोड़ा बहुत लेट में मर रहा है। एंड यार मैं क्या बता रहा था, मेरे पास M1 नहीं है देख सकते M2 का, तो फिर भी मैं लेके जाता हूँ यार। और जब खत्म हो जाता है तब मैं फंस जाता हूँ, इस वजह से कभी कभी ना मैं यार हार जाता हूँ। और क्या ही चीज़ें बताओ, ये आर्डर मेरे को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पहले से स्नाइपर एमओ उठाना पड़ेगा। और कोई ना यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं देखते, लेकिन इसके पास भी स्नाइपर एमओ नहीं था क्योंकि वो मतलब ARMO गन स्कार ले लिया था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक बंदा घर के ऊपर है और उसको भी मैं ओपी तरीके से हेडशॉट दे देता हूँ। और फिलहाल तो मेरे को एमओ लेने के लिए पिंग वाला वेंडिंग मशीन पर जाना पड़ेगा और मेरे पास टोकन भी हो चुका है। एंड आजकल यार स्नाइपर एमओ खरीदने के लिए टोकन चाहिए, पहले तो फ्री में देता था। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक बंदा घर के ऊपर है, वो बंदा मेरे को गंदी तरीके से डैमेज दे रहा था। एंड यहाँ पे यार जून भी नहीं है पिंग वाला वेंडिंग मशीन, तो फिर भी मैं जा रहा था। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं कितनी बुरी तरीके से फंस गया हूँ। अगर मेरे पास एमओ होता तो यार मैं लेफ्ट साइड से आराम से जून में जा सकता था, लेकिन यार अब तो यार मेरे को कैसे भी करके एमओ लेना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो M2 भी लेने के चक्कर में कितनी बुरी तरीके से फंस गया हूँ मैं। हालांकि मेरा पहले SCH था, उसको भी मैं लेता तो यार मैं आराम से बंदों को मार सकता था, लेकिन यार मेरे जो आदत है M2 भी लेने का, यही आदत है मेरे को यहाँ पे फंसा दिया है। एंड फाइनली M2 मेरे को मिल गया, लेकिन सामने वाला बंदा मेरे को जोन के अंदर जाने ही नहीं दे रहा। आप लोग को पता है लास्ट वाला जोन कितना गंदी तरीके से काट लेता है, और यहाँ पे मेरे को मैं सोच रहा था यहाँ पे मर जाऊँगा, लेकिन यार देखते हैं जोन के अंदर जाने का कोशिश करूँगा और सामने वाला बंदा तो मेरे को जाने नहीं दे रहा है क्योंकि लगातार मेरे ऊपर फायर कर रहा है। और यहाँ पे बॉनफायर लगा के पूरा मतलब मेडिकेट कर लेता हूँ और पूरी तरह से मैं जाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये बंदा यार ड्रॉप का बंदा यही था या फिर इस बंदे को मार दिया फटा, मेरे को मालूम नहीं चला यार।
और इतनी जल्दी से वो बंदा कैसे उधर फंस गया, शायद तो अलग बंदा हो सकता है और उसको भी मार दिया है। नीचे पुल के नीचे एक बंदा है और मेरे को लोकेशन पता चल गया है उसका अभी, तो उसको मैं मारने का ट्राई करूँगा क्योंकि पहले डैमेज दूंगा और तुरंत वो ग्लू लगाएगा तो फिर से वो डैमेज खाएगा क्योंकि मेरे पास M82 भी है और M82 भी यही एडवांटेज है, ग्लू की आर पार मार सकते हैं, इस वजह से मैं उठा लेता हूँ। लेकिन इस वजह से मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो वो बंदा मतलब एलिमिनेट हो गया, तो आराम से मैं इधर जा पाऊँगा एंड देखते हैं यार। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जोन कितने गंदी तरीके से काट रहा है एंड जितना हो सके आप लोग सुपर मेडी उठा लेना क्योंकि लास्ट में जाके यही काम आ जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मेरे पास सुपर मेडी है तो मैं जितना हो सके लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब जून नहीं है, तो जून में जाने का ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल तो। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं टॉप 5 पे आ गया हूँ पहला मैच और यहाँ पे 3 किल भी हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे को अच्छी खासी प्लस मिल ही जाएंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सामने 2 बंदा है, वो दोनों फाइट कर रहा था, उसको भी होपी तरीके से हेडशॉट दे दिया हूँ और अभी तक मेरा नेट जो है अभी तक इशू कर रहा है, यहाँ पे आप लोग मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना लेट लेट से मर रहा है। और सामने एक बंदा है उसको भी मारना पड़ेगा एंड फिलहाल तो मैं लूट बॉक्स से देखता हूँ क्या क्या है एंड उसको मारने का ट्राई करता हूँ और हेडशॉट देने का ट्राई किया लेकिन हेडशॉट नहीं लगा। लेकिन ग्लू के पीछे जो हेडशॉट लगाना यार लिटरली क्या ही बताओ, उस बंदे को इतना बुरा लगा होगा यार टॉप 4 पे आ गए ऐसा हो गया, तो फीलिंग समझ सकते हो आप लोग गाइस। एंड यहाँ पे टॉप 2 पे आ चुका हो एंड यहाँ पे थोड़ा लूट वगैरह कर लिया था, मेरे पास फिलहाल तो साइलेंसर है तो साइलेंसर उठाने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्कैनर छोड़ दिया था लेकिन यार एक बंदे का भी लोकेशन नहीं आया था क्योंकि ये मतलब मिशन जो है जूस इसे मिलता है ना मिशन पे यार स्कैनर पे नहीं दिखने का, तो उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो यार कोई ना यार। और यहाँ पे ये बंदा ना क्या कर रहा था पता नहीं और उसको ओपी तरीके से हेडशॉट देता है, शायद मेरे को भी देने का ट्राई कर रहा था। और यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा पार्ट कट कर देता हूँ क्योंकि यार लास्ट बंदे को ना मैं ढूंढे थक गया था। एंड गाइस यहाँ पे मैं अभी थोड़ा वेट किया क्योंकि यार क्या ही कहूँ यार, वो बंदा इतना सुब रहा था मेरे को दिख ही नहीं रहा था, मैं ढूंढे थक गया था। और मैंने भी सोचा यार पहला गेम है तो बोया करके जाना ही पड़ेगा, और इस वजह से मैं यार उधर इधर घर के अंदर नहीं जा रहा था क्योंकि वो टर्न मेरे को मार देगा तो यार मेरा फालतू में बोया चला जाएगा। और मैं सुपर में भी देख रहा था अगर वो बंदा हीलिंग मेटल करेगा तो मैं भी कर लूँगा, और कितना सुपर में भी है मैं देख रहा था, तो मेरा पास 4 सुपर में भी है फिलहाल और देखते हैं यार क्या होता है। एंड अभी भी बंदे का लोकेशन पता नहीं चल रहा था, मेरे को लगा यार पीछे से भी आ सकता है इसलिए पीछे आगे पीछे मैं देख रहा था, लेकिन तुरंत ये बंदा ना यहाँ पे आके यार खड़ा रहता है, पता नहीं क्या कर रहा था यार, नेट चला गया या फिर क्या चला गया छोड़ो यार जो भी हो, लेकिन उसको फाइनली हेडशॉट देख के खत्म ही कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा पहला गेम जो है बोया हो सका है एंड यहाँ पे देख सकते मेरे को 41 प्लस मिल चुका है जो कि यार 2 गेम का प्लस है, आप बोया 2 गेम लगातार बोया करेगा पर तो यार 26 मिल जाता है, लेकिन देख सकते एक ही गेम में मेरे को प्लस मिल गया है। एंड जितना हो सके आप लोगों को भी सर्वाइव करके पहला गेम जितना हो सके प्लस करने का कोशिश करना। एंड गाइस आज का वीडियो इतना ही था, तो वीडियो को अच्छा लगा तो दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।